वेलकम टू स्टडी शॉर्टकट्स। हेयर स्टडी बिकम्स ईजियर। तो जिवें तुहाने थंबनेल देखी होएगा जी, तुहानू थंबनेल तो ही पता लग्या होएगा कि कोई जरूर इहदे विच चंगी गल तां इस वीडियो दे विच नहीं दसी जाएगी। 6-35 बारे कोई पक्का माड़ी ही गल जिहड़ी आ उह वायरल हो रही है। सो एक ऑडियो जिहड़ी आ उह काफ़ी ग्रुप्स दे विच वायरल हो रही है, उसके बारे आपां गल करांगे। आ तुहानू वी ऑडियो जिहड़ी आ सुणन नू मिल गई होएगी। उसके बारे इनफॉर्मेशन मैं तुहानू पहला दे दिंदी हां कि ऑडियो दे विच मेन की कहा जा रहा। ऑडियो दे विच कहा जा रहा जी एक होर केस की लगाउण दी हो रही है 6-35 ते तैयारी। हाँ जी, 6-35 जी पोस्टा ते एक होर केस लगाउण दी तैयारी की जा रही है। मुद्दा की रखा जा रहा, उहदे विच पॉइंट की रखा जा रहा है कि इदा उस कैंडीडेट नूं जिसकी भी वो ऑडियो है वायरल, जिस भी इंसान ने की है, वह कहा जा रहा है कि उहदे विच कि ग्रैजुएशन की जी डिग्री हैगी है, वह कई कैंडीडेट्स जाली डिग्री लगा के अपनी ग्रैजुएशन दिखा रहे हैं ते अपने 5 नंबर या 3 नंबर ग्रैजुएशन दे लै रहे हैं। सो इस नूं लैके जिहड़ा वह केस लगाया जा रहा है। पर इतने सोचने वाली गल यह है कि जरूरत किस चीज़ की है इतने, अगर जाली डिग्रियां लिया जा रही ने या जाली डिग्रियां शो कीतियां जा रही ने, कि सानू 6-35 के केस लगा के फिर तो 6-35 रोक देनी चाहिए है, 6-35 खराब कर देना चाहिए की करना चाहिए। देखो जो उन्होंने उस पॉइंट दसे है कि जाली डिग्री जी लोग यूज़ कर रहे हैं वो ग्रैजुएशन लैवल से यूज़ कर रहे हैं तो उसके अपने एक्सट्रा मार्क्स लै रहे हैं गे। पूरी वीडियो ध्यान सुनियो, जाली डिग्री तो किसी भी स्टेज पर हो सकती है, जाली ग्रैजुएशन की डिग्री भी हो सकती है, जाली ईचडी की डिग्री भी हो सकती है, जाली प्लस टू की डिग्री भी कोई शो कर सकता है, जाली 10th की डिग्री भी शो कर सकता है भी उसने पंजाबी पास की हुई, अदरवाइज उन्हें पंजाबी पास करने का सबूत उसके को जाली हो सकता है। सो जाली हर एक लैवल पर हो सकता है, जाली किसी भी लैवल पर कोई भी चीज़ हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि असी भर्तियां कढ़े ही ना, भर्तियां होंदियां ने, जाली नूं बाहर करन लई ही सक्रूटनियां करवाईयां जांदियां ने। सक्रूटनी प्रोसैस इसलिए किया जाता है, जो भी ऑफिशियल मान्यता प्राप्त कॉलेज ने, स्कूल ने, इंस्टीट्यूट्स ने, उन्होंने ऑफिशियल वैबसाइट पर लिस्ट पई हुई है, जो फेक यूनिवर्सिटीज़ हैं हर साल UGC उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दिंदी है। सो इन यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग कि उन्होंने किस जगह तो यह चीज़ की हुई, अपना जो कोर्स है वो किया हो, इन गलों सक्रूटनी तो देखते हैं। सक्रूटनी इस चीज़ करके होंगी है ताकि जाली जी चीज़ है वह बाहर क्ढ़ी जाए। जाली डिग्री जोड़ा है पॉइंट हैगा जी, और अपना सक्रूटनी प्रोसैस होर ट्रांसपेरेंट होर स्ट्रिक्ट करन दी जरूरत है ताकि जाली डिग्री नूं सक्रूटनी लैवल ते उन्हां नूं पछाण के उन्हां नूं बाहर किया जा सके। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भर्ती ते केस लगा के भर्ती खराब कर दो। ये दोबारा तो जो यह सब चीज़ा फैलाइया जा रही ने, पता नहीं सच्ची भी है कि झूठिया ही ने। सो यह क्यों फैलाइया जा रही ने, आई थिंक मैनूं स्पैशल बोलन तो जरूरत नहीं है, थोनों हर एक नूं पता ही है क्यों फैलाइया जा रही ने, किन्ना द्वारा फैलाइया जा रही ने, यह भी दसन की जरूरत नहीं है क्योंकि 2300 का पूरा आप जिहड़ा इह साल देखिया हैगा, पूरा देखिया उहदे विच की कुछ होया, किन्ना ने की कीता, क्यों चीज़ा वायरल कीतियां जांदियां ने, भर्ती नूं खराब करन वास्ते कौन करदा, ये सारियां चीज़ां तो वो हर एक नूं पता है भी क्यों खराब कीतियां जांदियां ने। सो 6-35 नूं ये जो ऑडियो वायरल हो रही है सिर्फ 6-35 नूं खराब करन दे लई हो रही है, 6-35 नूं रोकन दे लई हो रही है, किसी भी चीज़ नूं सिरे ना चढ़ाउण दा पता नहीं किसने जिहड़ी कसम खा रखी है कि आपां किसी भी भर्ती नूं पूरा होने नहीं देना, खासकर ईजीडी दी भर्ती नूं। समझो केस लगाउण लई जरूर एक फंड चाहिए होंदा, घट तों घट किसी भी ने भी अगर तुहानूं इह कहा कि असीं केस लाउण जा रहे हां तां फंड दिओ, इक इक कैंडीडेट चाहे उह कोई भी लैवल का, चाहे वह प्लस टू का, चाहे ईटी का, चाहे ग्रैजुएशन का, चाहे 10वीं लैवल का, कोई भी कैंडीडेट अपना फंड देने की जी ये गलती ना करो, क्योंकि तुम फंड दोगे इसका हरजाना भी थोड़ा ही भुगतना पैना है, वह बंदे का कुछ नहीं जाना, थोड़े हथों भर्ती चली जानी है। सो प्लीज़ अपना समझदारी नाल दिमाग नाल काम लियो, ट्रांसपेरेंसी जिहड़ी है सक्रूटनी दे विच होनी चाहीदी है, होर कर लो, होर स्ट्रिक कर लो, जरूरत कित्थे है उस चीज़ नूं देखो, जरूरत है जाली डिग्री नूं पछाणन दी तां सक्रूटनी लैवल होर स्ट्रिक करो, उस चीज़ की मंग कर लो भी सक्रूटनी ते आ यूनिवर्सिटी तो जिन्हें जिन्हें किया होया उस नूं बाहर किया जाए, या इंस्टीट्यूशन तो उसने किया होया ये जाली है तो इस नूं बाहर किया जाए, इस चीज़ नूं करन दी जरूरत है, ना कि भर्ती ते इक होर केस लगा के साल होर इस केस नूं चला के लास्ट दे विच ये नतीजा आ जाना भी जी भर्ती जी क्वैश हो चुकी है। सो मुड़ के इहदा भर्ती का कुछ भी नहीं रहना जे इस ते इक होर केस लग गया। किसी ने भर्ती ते केस लगा भी दिता इस पॉइंट नूं लैके क्योंकि जाली डिग्री शो किया जाता, यह जिहड़ा केस है पहली सुनवाई ते खारिज हो सकता है क्योंकि यह कोई पॉइंट नहीं है किसी भी भर्ती ते रिगार्डिंग जिहड़ा हैगा वो केस लगाउण दी। क्यों? क्योंकि ऑफिशियल यूनिवर्सिटीज़ कहड़ियां ने, ऑफिशियल इंस्टीट्यूशनस कहड़े ने, मानता प्राप्त कहड़े ने या मानता प्राप्त कहड़े नहीं हैगे, इस सारा जिहड़ा ऑफिशियल वैबसाइट्स ते पिया हुंदा, कॉलेज दी अपनी ऑफिशियल वैबसाइट ते पिया हुंदा, उन्हां दे प्रोस्पेक्टस दे विच लिखा हुंदा, और इसे चीज़ नूं चैक करन लई सक्रूटनी करवाई जाती है, इसे चीज़ नूं चैक करन लई सक्रूटनी हुंदी है। सो मैनूं नहीं लगता जज इहदे विच कोई भी इस केस नूं अगे लैके जाएगा इस तरह के केस नूं, उह सिर्फ ये जिहड़ी चीज़ आ उह इसलिए फैलाई जा रही है ताकि 6-35 जिहड़ी आ उह किसे ना किसे तरीके नाल रुक जाए। पर तुसीं इस चीज़ ते विश्वास ना करो, इस चीज़ नूं फंड देण दी लोड़ नहीं है इस तरह के केस दे उत्ते, ते ना ही ये केस जिहड़ा खड़न वाला है, दिमाग नाल सोचो, किसी के पिछे लगन की बजाय जिहड़ा है वह थोड़ी भर्ती थोड़े हथों जिहड़ी आ उह खराब कर सकदा है, इहनां दे पिछे लगन की जरूरत नहीं है। रही गल एक्सट्रा नंबर देण की,
ये वाले पॉइंट नूं हुण उठा के भर्ती खराब करन दा कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जिहड़ी एक्स्ट्रा नंबर 5 नंबर उच्च योग्यता नूं दित्ते जा रहे ने, ये कोई अज या कल नोटिस नहीं आया, ये उस दिन दित्ते जा रहे सी जिस दिन इस भर्ती दा नोटिफिकेशन आया सी, जिस दिन 635 एडवर्टीजमेंट आउट हुई सी उदन दा, जद किसी नूं कोई प्रॉब्लम नहीं है इहदे विच या किसी नूं कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि निरोल ईटीटी भर्ती होनी सी। तां अज सिर्फ एक दिन पहलां हुण स्क्रूटनी वेले ये मुद्दा उठा के, या उदों जदों फाइनली इस केस दा फैसला जिहड़ा है उम्मीद है 20 जनवरी नूं हो जाएगा ते भर्ती पूरी हो जाएगी, जरूर सब दे हत्थां दे विच ऑफर लैटर आ जाएंगे, तो हूँ यह मुद्दा उठा के भर्ती खराब करन दा जिहड़ा मतलब है, वो मकसद है, वो की मकसद है, तुसी हर कोई जिहड़ा समझ सकदा इस गल नूं। सो ये कोई 5 नंबर दा एक्स्ट्रा नंबर दा कोई जिहड़ा नोटिफिकेशन वो अज्ज या कल नहीं आया, उस दिन आ गया सी जिस दिन 635 एडवर्टीजमेंट आउट हुई सी। पर ये अज क्यों उठाया जा रहा है, इसते पॉइंट जिहड़ा इत्थे सोचण वाली गल है, वो सारे जरूर सोचो ते एवें किसी के मगर लग के जिहड़ा तुसी इन्हां केसां नूं बढ़ावा ना दिओ, ते ना ही तुहानूं डरन दी लोड़ है, क्योंकि स्क्रूटनियां हुंदियां ही इस वास्ते ने, और जिहड़े जाली ने उन्हां दी भी लिस्ट ऑफिशियल वैबसाइट पर पई है, जिहड़े मानता प्राप्त इंस्टीट्यूशनस ने उन्हां दी लिस्ट भी है ऑफिशियल वैबसाइट से पई है, और स्क्रूटनी हुंदी भी इस वास्ते है ताकि जालियां नूं बाहर किया जा सके, प्रोसैस नूं होर ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है, होर स्ट्रिक्ट किया जा सकता है, लेकिन प्रोसैस नूं रोकिया नहीं जा सकता, भर्ती खराब नहीं की जा सकती, भर्ती नूं जिहड़ा है वह क्वाश नहीं करवाया जा सकता। इस तों इलावा जे किसी कैंडीडेट नूं लगता है कि जाली डिग्री भेजी जा रही है और उन्होंने किसी की जाली डिग्री बारे पता है, किसी भी कैंडीडेट की या किसी इंस्टीट्यूशन की या किसी यूनिवर्सिटी की कोई जाली डिग्री बारे पता लग गया, तो वो उसकी इंफॉर्मेशन या तो डिपार्टमेंट नूं भेजे या यूनियन नूं भेजे, सीधी वो इंफॉर्मेशन ही डिपार्टमेंट नूं दे देवे रैदर दैन केस लगाने नालों। अगर तुहानूं पता लगे कि फलाने इंस्टीट्यूशन या फलाने कैंडिडेट की डिग्री जिहड़ी है जाली है या आ डिग्री जाली है, तो उहदी इंफॉर्मेशन तुसीं डिपार्टमेंट नूं दो, यूनियन नूं दो, लेकिन इस तरह केस लगा के भर्ती खराब ना करो। सो ये इनफॉर्मेशन सी उस ऑडियो बारे जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और बहुत सारे कैंडिडेट्स नू टेंशन दे विच जिहड़ी पा रही है कि हुण पता नहीं 635 दा हुण फिर दोबारा तो की होगा, इस बारे आपां तुहानूं इनफॉर्मेशन दित्ती है, तो इस वीडियो नू वध तो वध वायरल कर दो ताकि हर एक तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, ताकि कोई भी कैंडिडेट जिहड़ा गुमराह ना हो सके, तो सही तरीके नाल सही राह जिहड़ा वो सोच सके, तो भर्तियां जिहड़ियां खराब ना हो। प्लीज़ इस नू वध तो वध शेयर करो, बाकी टैलीग्राम चैनल नू ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विचों मिल जाएगा।